वेलकम गाइज, जीके एम्स क्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एम्स क्यूज एम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज, जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उपसहसंयोजक यौगिक से क्वेश्चन बनता है। तो कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पर कर लेते हैं प्रैक्टिस। कॉपर आयन द्वारा बनाए जाने वाले निम्नलिखित संकुलों में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी है, स्टेबल कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने गाइज, टिक लगाना जिसको आ गया तो वो तो सक्सेसफुल बन गया समझो, मेन टिक लगाना है तो बात है। गाइज, आपके लिए एमसीक्यूज में क्या होता है, हर कंपटीशन एग्जाम में एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाता है और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, यानी कि आंसर भी आपके सामने ही है, बस आपको तो टिक लगाना है सही जगह पे। तो देखो किस तरह से टैलेंटेड होते हैं कुछ स्टूडेंट जो सही टिक लगा के अपना फ्यूचर बना लेते हैं। तो आप भी लगाओ सही टिक, आई होप आपने लगा लिया होगा। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा, जिसका टिक सेकंड था उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते आगे एक और, अगला क्वेश्चन है उपसहसंयोजन यौगिकों का रंग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पर निर्भर करता है, संकुलों के ये जो दिया हुआ है, ठीक है, तथा का उद्देश्य क्षेत्र यानी कि दृश्य क्षेत्र में तरंग दैर्ध्य के अवशोषण का सही क्रम क्या होगा। उपसहसंयोजन यौगिकों से क्वेश्चन बनता है, रंगों से भी बन सकता है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद चारों ऑप्शन देखने, समझना है, टिक लगाना है, बस। सिलेक्ट कर लिया को वैसे बेसिकली आपने। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, दृश्य क्षेत्र में तरंग दे रखे अवशोषण का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला होगा थ्री वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बोल देना। ठीक है, और अब आप बोलोगे सर आप कमेंट का जवाब नहीं देते, गाइज हम आपके लिए तैयार करते रहते हैं एमसीक्यूज, जैसे हम फ्री होते हैं आपका कमेंट पढ़ के श्योर हम आपका जवाब देते हैं। तो कमेंट आपने जैसे किया उसके दो तीन चार दिन बाद भी आपको रिप्लाई मिल सकता है, उदास मत होया करो। ठीक है, आपका अपना चैनल है, कमेंट किया करो और उसका सॉल्यूशन हम अवश्य निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 0.1 मोल COCl3NH3 की AgNO3 के आदि कैसे अभिक्रिया कराने पर HCl के 0.2 मोल प्राप्त होते हैं, विलयन की चालकता के समकक्ष होगी, 1:3 विद्युत अपघट है, 1:2 विद्युत अपघट है, 1:1 या फिर 3:1, बताइए। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1:2 वैद्युत अपघट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन मोल CrCl3 6H2O की AgNO3 के अधिक से अभिक्रिया कराने पर AgCl के 3 मोल प्राप्त हुए, संकुल का सूत्र है, बहुत अच्छा, चारों ऑप्शन आपके सामने, टाइम लग सकता है आपको पढ़ने में बट इजी है। सो आपने टिक लगा दिया होगा वैसे बेसिकली, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना लास्ट वाला, ठीक है, CrH2O6Cl3, ऑप्शन 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, PT Platinum NH3 2Cl2 का सही IUPAC नाम है, डायमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिन, डायमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम I4 यानी कि 4, डायमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 0, डाइक्लोरिडो एमीन प्लेटिनम, ये IUPAC नाम भी आना चाहिए आपको संकुलों के, ऑक्सीकरण अवस्था भी निकालनी आनी चाहिए आपको इसमें से। ठीक है,
सो आपने रेगिस्तान की पूर्ति कर दी होगी यहाँ की। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, डाई एमिन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम सेकंड, ये इसका आईयूपीएसी से नाम होता है। और सारे याद रखने, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ये आपको आना चाहिए आईयूपीएसी से नाम, इनके संकुल हो गए चैप्टर में आपके दिया हुआ है। चलते आगे की ओर, और गाइस टिक लगाना सिखाओ, टिक लिखना जितना सीखोगे उतना अच्छा है ना, जितना गलतियां यहाँ पे करोगे उतना आप सीखोगे। इंसान गलती का पुतला है, गलतियों से सीखता है, जितने आप मिस्टेक करोगे उनसे सीखो, ठीक है। चलते आगे को, बट वही गलती बार बार मत दोहराओ, सीखो गलतियों से ताकि ये गलती आप अपने कंपटीशन एग्जाम में ना करें, तभी जाके सिलेक्टेड होंगे आप। किलेसन द्वारा उप सहसोजिक यौगिकों का अस्थायित्व किलेट प्रभाव कहलाता है, निम्न में से कौन से संकुल स्पीसीज सर्वाधिक अस्थायी है, Epco5, Epco6, Epc2O4, Eph2O6, बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट, वह संकुल आयन इंकित कीजिए जो ज्यामिति समवयता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आपके सामने है चारों, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा संकुल आयन है जो ज्यामिति समवयता प्रदर्शित करता है। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, CrH2O4 Cl2+, ठीक है, इसका ये करता है ज्यामिति समावेता प्रदर्शित। नेक्स्ट, अष्टफल के CO Cl6 के लिए CFSC 18,000 CM है, तो चतुष्फल के CO Cl4 की CFSC होगी 18,000, 16,000, 8,000, 2,000, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ, 2,000 नहीं 20,000 है, ठीक है। बताओ चतुष्फल के CO Cl4 तो CFSC होगी। सिंपल थर्ड, ये क्वेश्चन उनको हार्ड लगेंगे जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, उप सहसोजिक यौगिक वाला नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। उभयदंती लिगेंड के कारण उप सहसोजन यौगिक समावेता दर्शाते पैलेडियम के PdCl6H5 SN2 और PdC6H5 2 NCH2 संकुल है, बंधनी समावयवी, उप सहसोजन समावयवी, आयनन समावयव और ज्यामिति समावयव। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, बंधनी समावयव। नेक्स्ट, और गाइज रोजाना क्वेश्चन मिलता है आपको, रोजाना डेली, एक दिन भी आपका मिस नहीं होता इस चैनल पे, ठीक है। जीके एमसीक्यू जेएमके चैनल आपको इतना परफेक्ट बना देगा कि आप इंटरेस्ट किसी प्रकार का कंपटीशन एग्ज़ाम दो, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट। यौगिक CO SO4 NH3 5 Br और CO SO4 NH3 Cl प्रदर्शित करते हैं, बंधनी समावयता, आयनन समावयता, उप सहसोजन समावयता या फिर कोई समावयता नहीं। फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि अभी तो बायो भी करनी है, फिजिक्स भी करनी है। राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा कोई समावयता नहीं, राइट। नेक्स्ट, क्लेटी क्रमक में एक धातु आयन से आबंधन के लिए दो अथवा दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, निम्न में कौन सा क्लेट क्रमक नहीं है, ताओ सल्फेटी, ऑक्सलेटी, गायनसिटो, इथेन 1,2-diamine। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ताओ सल्फेटी फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज का लिगेंड होना अपेक्षित नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, NO NH4 NH2 CH2 CH2 NH2 CO, निम्न में से कौन सी स्पीसीज का लिगेंड होना अपेक्षित नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, इसका नहीं है, ठीक है, इसका तो बिल्कुल नहीं है।
नेक्स्ट CrH2SiCl3 बैंगनी और CrH2SiCl2H2 स्लेटी गहरा हरा के बीच कौन से प्रकार की समावयवता पाई जाती है? बंधनी समावयवता, ग्लाइकोजन समावयवता, आयनन समावयवता, उपसंयोजन समावयवता। सो टिक लगा दिया होगा आपने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ग्लाइकोजन समावयवता। नेक्स्ट PtNH4NH3 2 ClNO2 का IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम तो याद कर लेना गाइस आप, अगर आपको ज़रूरत है तो अलग से भी IUPAC नाम का वीडियो मैं बना दूंगा, बट आपको याद करना है IUPAC नाम। तो यह इंपॉर्टेंट है यहाँ पर IUPAC नाम निकालना, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, ठीक है, रासायनिक नाम कौन से कलर किस प्रकार का देता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लेटिनम डायमिन क्लोरोनाइट्रेट, क्लोरोनाइट्रेटो एन एमिन प्लेटिनम, डायमिन क्लोरिडोनाइट्रेट एन प्लेटिनम, या फिर डायमिन क्लोरोनाइट्रेट एन प्लेटिनम सेकंड। ये फर्स्ट सेकंड का है, बहुत महत्व है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, डायमिन क्लोरिडोनाइट्रेट एन प्लेटिनम सेकंड, ठीक है। और आपके चैप्टर में से किस प्रकार से एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको भी अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो आपका जो चैप्टर है वहाँ पर ये जो कलर्स दिए हुए इनको थोड़ा सा याद रख लेना, जैसे कि नाइट्रेट विलयन आदि के में डालने पर कुछ क्लोराइड आयन HCl के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं तथा कुछ विलयन में ही रह जाते हैं। 1 mol CO Cl3 6NH3 पीला होता है, जैसे कि इसके बाद बैंगनी हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये टेबल इंपॉर्टेंट है गाइज, आपके चैप्टर में जितने भी टेबल्स हैं ना वो सब इंपॉर्टेंट है, सारा सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ होता है और एक जगह आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आ जाता है आपका समावयवता, ठीक है, त्रिविमीय समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। तो त्रिविमीय में भी दो टाइप का होता है, ज्यामिति होती है, ध्रुवण होती है, और संरचनात्मक समावयवता में चार, जैसे कि बंधनी हो गया, आयनन हो गया, उपसंयोजक हो गया, विलायकोजन हो गया, तो ये समावयवता से क्वेश्चन बनता है आपके, ठीक है। चलते आगे की ओर, उसके बाद आपको याद रखना है कक्षकों की संख्या तथा संक्रमणों के प्रकार, जैसे कि समन्वय संख्या यहाँ पर दी हुई है 4, 4, 5, 6, 6, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और संक्रमण का प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है SP3, DSP2, SP3D, SP3D2, SP3D2, SP3, और संकरित कक्षकों का आकाशीय वितरण, जैसे कि चतुष्फलकीय, वृक्षसमतली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टफलीय, ठीक है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। नेक्स्ट गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है ये थ्योरी, ठीक है, VBT की, CFT की, ये सिद्धांत याद रखना है आपको, क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरेटिकली बहुत ईजी है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस लगाने वाले बात नहीं, थ्योरी पढ़ लो काम बन जाएगा। जैसे कि VBT में सब कुछ दिया हुआ है कि इनमें कमियाँ कौन कौन सी है, CFT के बारे में दिया हुआ है, तो ईजिली आप अपनी बुक से इसको रीड कर सकते हो। चलते आगे की ओर, उसके बाद उपसंयोजक समूह और अवशोषित प्रकाश का रंग, उपसंयोजक समूह का रंग सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, और याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेके मत रखना, याद भी करना है, एमसीक्यूज बन सकते हैं यहाँ से और ऐसे बनते हैं एमसीक्यूज। नेक्स्ट, उसके बाद आपको रीड करना है उपसंयोजक यौगिकों का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, अनुप्रयोग थ्योरेटिकली देखो बहुत ही आसान है, EDTA हो गया है ना, नेप्थलोइन, क्यूप्रेन, सब कुछ दिया हुआ है, थ्योरेटिकली पूरा आपको अपनी बुक में मिल जाएगा NCERT की में, और NCERT से बनते हैं, ठीक है, विटामिन B12, साइनोकोबलिन, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये अनुप्रयोग आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद हमेशा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, सारांश तो भूलना ही नहीं है, तो कंपलसरी समरी, तो पूरे चैप्टर की समरी शॉर्टकट में दी हुई है, तो आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये सारांश अवश्य देख लिया करो, ये देखिए, ठीक है, ये वाली बुक तो सबके पास होगी, और चाहे तो आप 12th के नोट्स का भी सहारा ले सकते हो, MCQs ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो
इंग्लिश मीडियम में अगर आपको चाहिए तो हमारा जेके लोन जॉब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और अधिक एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए तो। हाँ, जेके लोन जॉब पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, वहाँ से आप कर सकते हो उसको फॉलो, ठीक है, और फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। ओके, धन्यवाद।